हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है एंड सीक्वल सर्वर ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्राइमरी की। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं प्राइमरी की के डेफिनेशन की बात करूँ तो प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। मीन्स एक एसक्यूएल टेबल में किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं। अब यूनिकली आइडेंटिफाई से क्या मतलब है? मीन्स प्राइमरी की बेसिकली हमारा वो कॉलम होता है जो कि पूरे टेबल के लिए एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रही हूँ तो उस टेबल में जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर होगा वो उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी उस रो की, कि कौन, जैसे एक नाम के मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, बट उन स्टूडेंट को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, उसके एनरोलमेंट नंबर के बेस पे। सिमिलरली अगर मैं एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर रही हूँ तो उस एम्प्लॉय के टेबल में जो एम्प्लॉय की आईडी होगी वो उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। फाइन, मीन्स उस पर्टिकुलर रो को, कि उस वो पर्टिकुलर इंप्लॉई कौन सा है तो वो उसकी आईडी से हमें पता चलेगा। फाइन, तो किसी भी टेबल में हम एक ही प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। अब वो प्राइमरी की हम एक कॉलम का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं और एक से ज्यादा कॉलम को यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम एक से ज्यादा कॉलम को यूज करके प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। कंपोजिट की के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्राइमरी की जो क्रिएट कर रहे हैं वो एक कॉलम को यूज करके क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी भी टेबल में हम एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं क्रिएट करके चल सकते। इसी के साथ साथ प्राइमरी की का कॉलम कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मीन्स अगर हमने किसी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया तो उस पर्टिकुलर कॉलम में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। जैसे मैं अगर एक स्टूडेंट का टेबल बना रही हूँ तो जो उसका एनरोलमेंट नंबर होगा या स्टूडेंट आईडी होगा उसमें मैं वैल्यू रिपीट नहीं कर सकती। जैसे एक स्टूडेंट को अगर मैंने 101 एनरोलमेंट नंबर दे दिया तो मैं अब किसी और स्टूडेंट को 101 नहीं दे सकती। तो प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेता। इसी के साथ साथ हम उस कॉलम को नल भी नहीं दे सकते हैं, मींस वो नल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइन, तो अपना टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल को मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। अब यहां मैंने बनाई स्टूडेंट आईडी, उसे मैंने दिया इंटीजर और उसे मैंने नाम दे दिया, सॉरी उसे मैंने बनाया प्राइमरी की। सिमिलरली मैंने यहां पे दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है, दो ही कॉलम का मैं टेबल क्रिएट कर रही हूं। ओके, स्टूडेंट नाम का टेबल ऑलरेडी है इस डेटाबेस में तो मैंने इसे नाम दे दिया स्टू, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, ये मेरे पास एक टेबल बन गया जिसके अंदर मैंने दो कॉलम ऐड किए। यहां पे वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। सबसे पहली आईडी दी मैंने 101, नेम एंटर किया ईशा, इंसर्ट किया तो मेरी वैल्यू इंसर्ट हो गई। चेक करते हैं तो वैल्यू ऐड हो गई। अब अगर मैं दोबारा इसी वैल्यू को इंसर्ट करने की कोशिश करूं, मींस 101 में ऑलरेडी इंसर्ट कर चुकी हूं और मैं दोबारा इसे इंसर्ट करने की कोशिश करूं तो आप देखिए मेरे पास एरर आ गया, कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को यूज किया है। कंस्ट्रेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और कौन कौन से कंस्ट्रेंट हम यूज करते हैं, बट फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ प्राइमरी की के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैंने यहाँ पे कोशिश करी नल वैल्यू एंटर करने की, तो मैंने यहाँ पे नल दिया, एग्जीक्यूट किया, तो सिमिलरली मेरे पास मीन्स आउटपुट आ गया कि हम यहाँ पे नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते।
पाए. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमरी की को यूज किया हुआ है. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहली बात तो प्राइमरी की किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. सेकेंड पॉइंट कि एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की को क्रिएट कर सकते हैं. हाँ, उस प्राइमरी की में हम एक से ज्यादा कॉलम को यूज कर सकते हैं, बट वो कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट हो जाता है. थर्ड थिंग, प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता. फोर्थ पॉइंट, हम जब प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो प्राइमरी की नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करता. फाइन, क्लियर? तो इस तरीके से हम प्राइमरी की इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं. अगर हमने कोई टेबल क्रिएट किया है और टेबल क्रिएट करते टाइम अगर हमने किसी कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाया उस टेबल में, तो हम बाद में भी किसी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं. अगर हमें किसी कॉलम को प्राइमरी की बाद में बनाना है, मींस टेबल बनने के बाद हमें वो प्राइमरी की बनानी है, तो उस केस में हम टेबल को ऑल्टर करके ये काम कर सकते हैं. अगर किसी